तो मैं खुश होता हूँ। तो कहीं आपके मन में भी अब शादी का भाई आगे क्या प्लानिंग है आगे? करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई साध्वी हूँ या साधु हूँ या संत हूँ। मैं एक साधारण लड़की हूँ, जैसे हर घर की बच्ची होती है। और जैसा आप कहते हैं, पिताजी ने कहा, तो हर माता पिता को ये तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने जया किशोरी को सुना है, जया किशोरी शादी करेंगी, लेकिन अभी फिलहाल उनकी शादी में टाइम है। हम शादी के बाद भी कथा या भागवत करना नहीं छोड़ेंगे और भागवत कथा करते रहेंगे, लेकिन जया किशोरी का कहना है कि वो अभी शादी नहीं करेंगी। आइए जानते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी का क्या कहना है इस बारे में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का क्या कहना है शादी को लेकर? आपके जब ये वीडियोस वगैरह देखे तो उसमें सुना कि आप जो है विवाह भी करने वाले हैं, शादी भी करने? हाँ, लेकिन लव नहीं, लव नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, क्या लगी है, अभी बहुत समय है। आप शेरवानी सिलवा कर रखिएगा और हम आपको भी बुलाएंगे, पूरी टीम को बुलाएंगे, होगी उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब कब होगी, कैसे होगी, ये माता पिता और गुरु जी जाना, अभी गुरु आज्ञा लगी है, अभी हमारे गुरु की आज्ञा। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु जी ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की शादी होंगी और बहुत जल्द होंगी। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने गुरु जी को वचन भी दिया है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु जी ने कहा है, हमारे शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जरूर शादी करेंगे, ये हमारा वचन है। और हम शादी में भी अवश्य आएंगे और उन्हें आशीर्वाद भी देंगे। और फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा है कि हमारी माँ की भी इच्छा है कि हम शादी करें, और इसलिए हम शादी जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी शादी में कुछ टाइम है, जब भी हमारी शादी होगी तब हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे गुरु जी ने भविष्यवाणी भी की है। और उसके साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये भी कहा है कि हम अरेंज मैरिज करेंगे, लव मैरिज नहीं करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी की माँ उनके लिए लड़की देखना चालू कर दी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।